ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ। और हम लोग का जोड़ी चाचा जी कैसा लग रहा है? बहुत सुपर, बहुत सुपर, सुपर लग रहा है। आशीर्वाद दीजिए, हम लोग एकदम मस्ती में। आशीर्वाद तो भगवान, फिर हमेशा आते रहेंगे। आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपके दवा पर जरूर खाना खाएंगे, ठीक है? तो जीवन में पहली बार मैं रात्रि को हवा पर बैठे हुए भैया लोग के साथ में। कैसा? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और थोड़ा सा हम लोग पे भी ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा प्यार दुलार बरसाइए, जैसे बारिश बरसता है वैसे प्यार बरसाइए हम लोग को। और आप लोग पता नहीं हम लोग से प्यार कम लग रहा है, हो गया है, इसलिए आप लोग देख नहीं रहे हमारा वीडियो और वीडियो पर हमारा व्यू नहीं जा रहा है। खैर कोई नहीं, आशा है आप लोग साथ देंगे ज़रूर और आगे बढ़ाएंगे ज़रूर। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, छपरा, छपरा जिला, छपरा जिला खेसारी लाल के पास, खेसारी लाल यादव जी के पास, उनके जिला में जा रहे हम लोग। और बहुत ही सौभाग्य का बात है क्योंकि अभी तक सुने हुए थे खेसारी लाल के जिला छपरा छपरा छपरा, लेकिन अभी जा रहे हैं। और जा रहे हैं किन लोग के साथ में? भूमि न्यूज लाइव, संपूर्ण भारत न्यूज, और आज तक तीनों चैनल, जो न्यूज चैनल है, इन्हीं लोग के साथ में मैं अपना एक इकलौता ब्लॉगर मिठू मानसी ब्लॉग जा रहे हैं इन लोग के साथ में। और मानसी क्या करते, मोबाइल को नीचे ही डाल देते। दोस्तों मेरा हाथ दुख रहा है, हमने लग गया। तो दोस्तों वीडियो में हमारे बने रहिएगा और चलिए और कुछ कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में दिखाते हैं। रात्रि का सफर देखे कैसा है, इधर बोल रहे हैं कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा, आप कैसे हैं भैया? बहुत अच्छा। भूमि न्यूज लाइव है या इधर ना देखिए, चुरा कर कुछ हमारे फैंस से कुछ बोलिएगा, कुछ शर्मा रहे हैं। रात्रि का सफर में दोस्तों देखिए कोई नहीं दिख रहा है, बाप रे। तो अभी हम लोग का गाड़ी रुक गया थोड़ा देर के लिए और हम लोग हम आपको एक गाना सुनाते हैं। और यहाँ पे हमारे भैया लोग है, वो भी बोले है कि मानसी एक गाना सुना, तो सोचे थोड़ा सा सुना देते हैं जो आता है थोड़ा सा। ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ। गाने के लिए दोस्तों हम 500 नहीं 5 लाख इनाम दिए। आप लोग को कैसा लगा भैया? ओ भैया, गाना ऐसा लगा कि सब बोले सोइए गए हैं। के बोलिए, बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा गाना, आप लोग बताइए कमेंट में। कमेंट कीजिएगा कि लगेगा कमेंट से बोर हो जाए, इतना कमेंट कीजिएगा, इतना कम से कम 101 आदमी कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग मुजफ्फरपुर आ चुके हैं और ये है मुजफ्फरपुर का ओवर ब्रिज, मतलब पुल, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसी रोड से हम लोग जा रहे हैं छपरा जिला में। देखिए अब हम 4 लाइन पे आ चुके हैं और हम लोग इसी से जाएंगे छपरा लाइन होटल के पास आ चुके हैं। तो जीवन में पहली बार मैं रात्रि को हवा पर बैठे हुए भैया लोग के साथ में। कैसा? आगे भैया, कभी नहीं रात्रि को हम लोग किसी ढाबे पर या कहें किस जगह पे रुके थे, ठहरे थे, क्या मानते? हाँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है हम लोग का, आप लोग का सपोर्ट प्यार का जरूरत है और इतना प्यार देते रहे कि हम लोग हमेशा मुस्कुराते ही रहे, क्या? तो दोस्तों हम लोग इस ढाबा पर अभी देखिए खाना खा रहे हैं,
मन से ये देखिए खाना में क्या क्या है, दाल फ्राई, आलू का भुजिया, रोटी, प्याज। तो अभी हम खाना उन्हें खा चुके हैं और खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा है। खाना खाने का मन तो नहीं था, बस थोड़ा सा ये सर बोले, भैया बोले खाने के लिए खा लेते हैं। और यहाँ से देखिए ये लोग खाना अभी खा ही रहे हैं। कितना खा रहे भैया? ये लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, हम तो कम ही खाए हैं क्योंकि हम घर से चावल सब्जी खा कर आए हुए थे ना, इसलिए। तो हम लोग इस होटल पर रुके थे। होटल का नाम क्या है आपको? गुप्ता लाइन होटल। जो ऊपर बोर्ड देखते हो, ये ऐसे नहीं दिख रहा, पीछे बैक कैमरा से दिखाएंगे। महेंद्र चौक पे खाना मिला, काफी अच्छा लगा, काफी टेस्टिंग बनाता है। अकेले बनाते हैं? नहीं, स्टाफ रहता है। कितना स्टाफ है? पाँच स्टाफ रहता है। तो इन लोग अच्छे से बनाते हैं अब लोग। और आप जब भी कभी बिहार से दिल्ली जाते हैं, गोपालगंज जाते हैं, इसके बाद बनारस जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, तो आप याद रखिएगा यहाँ से जो है महेंद्र चौक पे आप आइए और खाना खाइए। यहाँ का खाना इतना लाजवाब है और शुद्ध है। जब आप गाड़ी में सफ़र करते हैं और कुछ वाइली चीज़ खाते हैं तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको शुद्ध देसी जो दाल होता है वो भी मिलेगा। दाल मस्त लगा और बहुत अच्छा महेंद्र जी हैं और बहुत अच्छा सुमन प्रसाद गुप्ता जी हैं और बहुत अच्छा खाना बनाए हैं। और हम लोग का जोड़ी चाचा जी कैसा लग रहा है? बहुत सुपर लग रहा है। आशीर्वाद दीजिए, हम लोग एकदम मस्ती में। आशीर्वाद तो भगवान, फिर हमेशा आते रहेंगे, आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपके दावा पर जरूर खाना खाएंगे। ठीक है, तो चलिए।